यार सदस्यता तो चलना रहा, लेकिन ये भी ज्यादा हल्ला मचा रहा था मोदी के खिलाफ। और वो कौन है, योगी, ये दोनों खिलाफ ज्यादा बोल रहा था। जब ज्यादा कितना सुनेगी सरकार, सरकार तो मोदी है ना, कि राहुल सरकार है। लोकतंत्र आज से नहीं, 50 साल पहले से खत्म हो चुका है। अबे इतनी गरीबी रही कांग्रेस के जमाने में कि एक कमीज पहनो वो ही धो। आज तो तरक्की है कि दस्त है, एक ही कपड़ा पहनता था। किसान तो उनको बेहाल है, किसान का तो हाल ही बहुत खराब रहा उस जमाने में, कांग्रेस के जमाने में। आज तो बहुत अच्छा है भाजपा के जमाने में। आज पूरे देश के अंदर यही चल रहा है ना, हर सूबे के अंदर जहाँ जहाँ भी इनकी सरकारें हैं, जो इनके खिलाफ ज्यादा बोलता है सबको ये जेल में पहुंचा देते हैं। किसी को हमारे यहाँ ये नहीं बोलते तुम थेड हो या गरीब हो या ऐसा नहीं, सबको एक साथ लेते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। भाजपा के अंदर यही एक नई शक्ति है। लोकतंत्र ये नाम की चीज है, लोकतंत्र कहीं नहीं है, आज से नहीं, कई हजार साल से राजा महाराजा बैठे रहते, गरीब परेशान रहता है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम जबलपुर में हैं और बीते दिनों राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से विवादों का दौर शुरू हो गया है। दोनों तरफ से कई बार बयानबाजियां चल रही हैं, कुछ लोग इसे सही फैसला बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे गलत फैसला बता रहे हैं। लेकिन एक लोकतंत्र में सबसे अहम जो राय होती है वो राय होती है जनता की, कि किसी मुद्दे को लेकर, किसी फैसले को लेकर के आखिर जनता क्या सोचती है, जबलपुर की जनता इस बारे में क्या कहती है, इसी चीज़ को जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों का द खबरदार न्यूज़ पे स्वागत है, आपका परिचय जानना चाहेंगे। भैया हमारा नाम बाबू है, सिर्फ बाबू नाम है जी। हाँ। तो जो ये राहुल गांधी की संसद सदस्यता को ख़त्म किया गया है, तो इस चीज़ को लेकर के आप लोग क्या राय रखते हैं? यार सदस्यता तो चलना रहा, लेकिन ये भी ज़्यादा हल्ला मचा रहा था मोदी के खिलाफ। और वो कौन है, योगी, ये दोनों खिलाफ ज़्यादा बोल रहा था। जब ज़्यादा कितना सुनेगी सरकार, सरकार तो मोदी है ना, कि राहुल सरकार है। भाई राहुल गांधी की जो सदस्यता ख़त्म की गई है, कोर्ट ने फैसला दिया, दूसरे दिन संसद से निष्कासित कर दिया गया। लोकतंत्र के अंदर इतनी जल्दीबाजी क्यों? राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर उसको बोलने भी नहीं दिया गया। खास बात उसमें यह है कि राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर बोलने के लिए वो एक बात को बार बार बोल रहे हैं कि अडानी जी जो हैं 20,000 करोड़ रुपए जो उनके कंपनी में लगा हुआ है वो किसका है। तो लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री इसके ऊपर चर्चा कराने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? लोकतंत्र ये नाम की चीज है, लोकतंत्र कहीं नहीं है, आज से नहीं, कई हजार साल से राजा महाराजा बैठे रहते, गरीब परेशान रहता है। लोकतंत्र आज से नहीं, 50 साल पहले से खत्म हो चुका है। प्रजातंत्र के अंदर हर आदमी का अधिकार है बोलने का, संसद के अंदर उनको बोलने नहीं दिया गया और सदस्यता इतनी जल्दी ख़त्म कर दी गई, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक बात है। ये अच्छी बात नहीं है, ये देश हित में नहीं है, ये प्रजातंत्र है देश में, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हमारा भारत है, भारत के अंदर हर आदमी को बोलने की आज़ादी है। पूरे दुनिया जैसे चल रहा, दुनिया ऐसे चल रहा, अब वो सही करा मोदी, गलत नहीं करा वो। तो राहुल गांधी कल से मोदी जी बोलने लगा, हम तो खाली मोदी बोल रहे हैं, कल से राहुल गांधी मोदी जी कह रहे हैं, अडवाणी जी कह रहे हैं, उसके पहले अडवाणी और मोदी कहते रहे, वो सही किया, वो जितना ज़्यादा बोल रहे तो उनके साथ अच्छा हुआ। तो लोकतंत्र में तो विपक्ष हमेशा आरोप करता रहा है। लोकतंत्र सिर्फ कहने का है यार, रोड पे कहो MLA MP के कितनी तनख्वाह है, है लोकतंत्र है, 2-2 लाख रुपया 2.5-2.5 लाख रुपया महीना तनख्वाह ले रहे MP MLA, तो ये लोकतंत्र है। अबे ये राजतंत्र है, रजवाड़ा चल रहा, गरीबों को परेशान करो, महंगाई इतनी बढ़ा दो गरीब मर जाए, ये चल रहा लोकतंत्र नाम का है बस। हर आदमी को यहाँ बोलने की बराबर की आज़ादी है, मगर ये 7 साल में मोदी जी की सरकार जब से बनी है, और चाहे वो CBI हो, ED हो,
आप देखें रोज लोगों के यहाँ छापा डालना, जो विपक्ष में लोग हैं अगर वो भाजपा में चले जाते हैं तो उनके यहाँ छापा नहीं पड़ता। पूरे देश में विपक्ष के यहाँ रोज छापे मारे जाते हैं। ये प्रजातंत्र के लिए घातक बात है, ये अच्छी बात नहीं है। ये एक खानदान की पार्टी हो गई थी, राहुल गांधी की जो बात कर रहा है, एक खानदान की पार्टी हो गई थी। आज जाके वो उनकी सदस्यता खत्म करे हैं। इसके पहले आप देख लो इन्हीं के यहाँ का पूरा परिवार 70 साल से लदे रहे, काम नहीं है उसका। लोकतंत्र वोट देने तक सीमित हो चुका है, बस वोट दो बस, उसके बाद फिर जो मर्जी है वही होता है। वही होता है, जो वोट भर दे दो, बाकी वो अपने मर्जी से करे, तुम अपनी मर्जी से जियो। कांग्रेस की सत्ता के टाइम पर और बीजेपी की सत्ता के टाइम पर कितना फर्क है? अबे कांग्रेस तो बहुत आगे रही लूट फूट में। कांग्रेस के जमाने में वोट कैसे चलता था, पूरे इलाके में कोई वोट नहीं डालता था, अपने हाथ से ठप्पा लगाते थे। कांग्रेस कोई बहुत अच्छी सरकार नहीं थी, तुमको बता ना, ये राजा महाराजा की सरकार है। और कांग्रेस से बताओ कोई गरीब रहा, सब हिंदुस्तान के रही अमीर लोग रहे, रईस राजा महाराजा नवाब वही रहना एम पी एम एल ए के। लोकतंत्र रहा कांग्रेस में, लोकतंत्र वहाँ भी नहीं रहा। कांग्रेस पर आरोप लगाते रहते हैं बस एक दूसरे। हाँ विपक्ष, कांग्रेस ही तो विपक्ष बनाई ने जनसंघ को। मोदी जी कैमरे के सामने अपनी माँ के पैर छू रहे हैं, कभी आपने राहुल गांधी को देखा? कभी राहुल गांधी ने क्या? राहुल गांधी की बात करते भाई साहब, जिसने अपने बाप की लाश पूरी ना दी हो इस देश ने, उसकी बात करोगे? जिसकी दादी का पूरा शरीर ना दिए हो उसको बोलो कि माँ के पैर, माँ को गोदी में लेके चलता है? एक बात सुनिए आप, हम तो सीधी बात करते हैं, आप अंधभक्त हैं, अपनी जगह है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पहले सिर्फ कांग्रेस है हिंदुस्तान में, जब आजाद हुई पहले इलेक्शन में 1952 में, उसके बाद जब देखा कि दूसरी पार्टी बढ़ रही है तो उसने उसको अपने साथ मिला के जनसंघ को बनवा ली, जनसंघ पार्टी को, वही फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। हाँ कांग्रेस है वो दौर भी रहा जब विपक्ष स्वयं बनाते थे। आज अबे इतनी गरीबी रही कांग्रेस के जमाने में कि एक कमीज पहनो वो ही धो। आज तो तरक्की है कि दस्त है, एक ही कपड़ा पहनता था। किसान तो उनके बेहाल है, किसान का तो हाल ही बहुत खराब रहा उस जमाने में, कांग्रेस के जमाने में। आज तो बहुत अच्छा है भाजपा के जमाने में। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई और हमारा देश जो है प्रजातंत्र में दुनिया में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। लोगों की परिवर्तित होगी तो फिर अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो भी इन हथकंडों का उपयोग करेगी? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये दमखम जो है कांग्रेसियों के अंदर ऐसा पहले भी नहीं था। अभी पिछले दिनों विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी जब थी तो कांग्रेस इस तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं करती रही, जैसी कार्रवाई ये कर रहे हैं ऐसी कार्रवाई देश में कभी नहीं हुई है। कांग्रेस भी करती रही, ऐसी कार्रवाई नहीं करती रही कि जो इनके खिलाफ बोले वो सीधा जेल में जाए। आज पूरे देश के अंदर यही चल रहा है ना, हर सूबे के अंदर जहाँ जहाँ भी इनकी सरकारें हैं, जो इनके खिलाफ ज़्यादा बोलता है सबको ये जेल में पहुँचा देते हैं। विपक्ष की आवाज़ को दबाना लोकतंत्र के अंदर ये अच्छी बात नहीं है, किसी की भी आवाज़ को दबाना ये। और हम तो कह रहे हैं राहुल गांधी की सदस्यता सही खत्म हुई है। हमारे देश की जो आज़ादी है इसमें हर आदमी को बोलने का अधिकार है और इस अधिकार को ख़त्म नहीं करना चाहिए। हर आदमी को बोलने की आज़ादी है और राहुल गांधी की सदस्यता जो ख़त्म कर दी गई तुरंत, ये गलत बात है। इसके खिलाफ करना चाहिए था, बस बस उच्च अदालतों के फैसले का, इंतजार करना चाहिए। जिस दिन सदस्यता सजा पड़ी है 2 साल की, दूसरे दिन लोकसभा से इनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, इतनी जल्दीबाजी क्यों करी गई? ये देश के लिए घातक है। ये हर विपक्ष के लिए, जितने भी विपक्ष के नेता हैं इस देश के अंदर, हर लोगों के ऊपर आप देखो कार्रवाई, सीबीआई की, ईडी की, रोज छापे पड़ रहे हैं। ये देश के लिए बहुत घातक बात है, इसका हम विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। लोगों की आज़ादी को छीनना बहुत गलत बात है। बोलने का अधिकार इस देश में हर आदमी को है और जमहूरियत में सबको आवाज़ अपनी उठाने की आज़ादी है। और जो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता ख़त्म कर दिए हैं,
उसकी हम निंदा करते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे? हमारा ये कहना है लोकतंत्र कभी नहीं रहा। अभी वो हमारे यहाँ के बाबू चाचा बताए हैं विपक्ष के लिए जो बता रहे राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी है। ये जो कांग्रेस पार्टी है एक अमीरों की पार्टी रही, भाजपा है गरीबों की। आज हमारे यहाँ की स्वराज सरकार को देखो, गरीब पार्टी में रह के किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है। हम भी भाजपा के हैं और किसी को हमारे यहाँ ये नहीं बोलते तुम थेड हो या गरीब हो या ऐसा नहीं, सबको एक साथ लेते हैं चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। भाजपा के अंदर यही एक नई शक्ति है। आप देख लो बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना है, युवाओं के लिए अभी योजना, लोन योजना, घर घर गांव गांव में मकान की योजना। मुख्यमंत्री 15 साल में आप देख लो कितना विकास हो रहा पूरे देश में। ब्रिज है तो आज नर्मदा में 4-4 पुल डल गए। कभी क्या आपको नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान को अब केंद्र में जाना चाहिए, एमपी में किसी दूसरे चेहरे को लाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुख्यमंत्री बहुत ठीक ठाक है, इनको इधर ही रहने चाहिए और जो दूसरे कोई आएंगे सब गड़बड़ कर देंगे। लेकिन राहुल गांधी के मसले पर लोगों की अलग अलग राय है इस मुद्दे को लेकर के, क्या लेकिन उनको चुना तो हमारे और आप जैसे लोगों ही ने चुना था ना। अब जनता होश में आ गई, अब कोई नहीं चुनेगा। कांग्रेस मुक्त भारत हमारा कहना है। विपक्ष के बिना कैसे लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं अगर आप इस तरह की बात कर रहे कि कांग्रेस? इसलिए कहा है विपक्ष कल भी नहीं रहा, बता रहे ना हमारे चाचा, कल भी नहीं रहा आज भी, लोकतंत्र खत्म ही हो चुका है। और ये बताइए कि आखिर हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने किस आज़ादी के लिए, किस लोकतंत्र के लिए जो तो आज़ादी की बहुत कुर्बानी, हमारे देश के हिंदू मुसलमान सब बहुत कुर्बानी दी आज़ादी के लिए। लेकिन आज़ाद होने के बाद जो यहाँ बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अलग हो गया, तो जो पाकिस्तान के थे वो पाकिस्तान में चले गए और हम मुसलमान लोग हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान को वोट दिया, हिंदुस्तान में रह गए। उसमें कोई गलत नहीं है कि बंटवारा जो देश में कुर्बानी दी आज़ादी के लिए, आज़ाद तो बरतानिया पूरा हुकूमत एशिया को दी है ना आज़ादी, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं दी। अब उसमें जिसका जिसका जो हक बना दे दिया। आज जो तो भाजपा कह रही है कि मुसलमानों का 2 स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, तो कह दिए अच्छा है